मेरी एक विजिट हुई स्विट्ज़रलैंड में और मैं मैं उस विजिट के दौरान मेरे को जिनके लिए मैं कुछ काम करने गया था उस उस व्यक्ति ने मेरे को वहाँ दूसरी जगह पर एक दूसरे शहर में वो मेरे को लेके गए उनके उस एरिया में जो उनके जो मैनेजर थे उनका नाम था प्रेम और वो जब वहां पर हम लोग उनके ऑफिस में पहुंचे तो थोड़ी देर डिस्कशन हुई कुछ काम की बातें हुई तो बातों बातों में पता लगा कि वो प्रेम जो है वो बाबा का डिवोटी है तो उसने मेरे को कहा कि सर आप भी बाबा के डिवोटी हो मैंने कहा हाँ हम भी वहाँ जाते हैं मेरे बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं तो उसने कहा कि सर मेरा घर जो है वो इस ऑफिस के थोड़ा पीछे ही मेरा घर है तो मैंने बाबा का एक मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पे तो आप क्या वहाँ पे मेरे साथ चलोगे मैंने कहा कि बाबा का मंदिर यहाँ स्विट्जरलैंड में तो चलो बाबा के दर्शन करते ऐसा सोच के हम वहाँ से उसके घर की तरफ चल पड़े उसके घर में हम एंटर किए प्राइज टू नो कि वहाँ वो पूरा बाबा का पंडाल बना हुआ था और वहाँ बाबा की वैसे ही चेयर लगी हुई थी मूर्ति लगी हुई थी और वहाँ हर जो वीरवार को वहाँ पर एक वहाँ भजन भी होता था वो बैठने का स्थान था मैं देखकर मैं वहाँ बाबा की जो चेयर के सामने मैं वहाँ नतमस्तक हुआ तो फिर उसने ना एक अपनी डायरी दी कि यहाँ पे आप यू राइट समथिंग फॉर अस मैंने वहाँ पे कुछ मैसेज भी लिखा तो उस वक्त मन के अंदर ऐसा भाव आया कि ये व्यक्ति यहाँ पे इतनी दूर है काफी सालों से उसने पुटप्रति विजिट नहीं किया तो मेरे वॉलेट के अंदर ना बाबा ने जो विभूति क्रिएट करी थी वो मैं हमेशा रखता था कभी कभी मन बहुत विचलित हो तो उसमें से ऐसे एक लगा के तिलक लगा लेते थे या उसको ग्रहण कर लेते थे तो मैंने अपना वॉलेट खोला और मैंने वॉलेट में से वो अपनी वो जो विभूति है वो मैंने ये ये ऐसे ये विभूति मैंने आज तक वो संभाल के रखी हुई है तो मैंने विभूति का ये खोल के तो मैंने अपनी फिंगर के साथ ये अभी तक उसी पेपर में है जो वहां पर स्वामी के साथ चलने वाले वो जो स्क्वायर पेपर देते थे तो मैंने ऐसे करके वो प्रेम को तिलक लगा दिया साहब वो तो व्यक्ति रोने लग पड़ा तो मैंने कहा कि प्रेम क्या हुआ है सो ई वॉज क्राइंग लाइक मैंने कहा प्रेम हुआ क्या है? तो प्रेम कहता है कि सर आज ना मेरा बर्थडे है और मैंने आज सुबह स्वामी को कहा था इफ यू लव मी सेंड सम मैसेज फॉर मी सो यू हैव डिलीवर्ड दिस मैसेज ऑफ स्वामी टू मी मेरे को पता ही नहीं लगा कि स्वामी ने मेरे को कंड्यूट बना के उस बच्चे को उसको कैसे भाव विभोर कर दिया उसकी जिंदगी में मैं उसको जीवन में पहली बार और आज तक दोबारा उसको व्यक्ति को नहीं मिला और वो किस कोने में है मैं नहीं जानता अगर कहीं मेरी बात सुने का वो या उसको वो भी समझ पाएगा और शायद इसी भाव से वो समझ पाएगा जिस भाव से मैंने उसको तिलक किया था सो तो ये ऐसी एक ये छोटी छोटी घटनाएं हैं जो जो स्वामी के साथ हम सबको जोड़ देती हैं बाबा के वहां पे हम लोग दर्शन के लिए बैठे हुए थे तो दर्शन पे बैठे हुए जब बाबा वो चेयर पे आते थे तो उसके बाद आकर वो बैठते समय वो दूसरी चेयर पे बैठ जाते थे और जो ये चेयर कार में से निकलती थी वो चेयर हमारे सामने जहाँ मैं बैठता था वो वहां पार्क हो जाती थी और बाबा वहां से वो दूसरी चेयर पर बैठ जाते थे तो उस चेयर के सामने जब हम बैठे तो हम ऐसे ही जो होता है कि यहाँ बाबा बैठते हैं हम चेयर को सहलाकर भी एक बाबा के स्पर्श का आनंद लेने का प्रयास करते थे तो उस प्रयास में जब मैंने देखा तो वहां उस चेयर पे बाबा का एक बाल वो वहां पे लगा हुआ था ऐसे ऊपर की जगह पे तो मैंने देखा कि शायद आज मेरे लिए यही प्रसाद है तो मैंने ये ये उस दिन ये स्वामी का वहां से बाल मैंने ये उठा के मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया और कभी मन वीक होता है तो ऐसे उसको टच कर लेते हैं तो लगता है कि जैसे बाबा का स्पर्श लगा और अभी भी आप देख रहे होंगे तो ये जैसे बाल पड़ा हुआ है ये एस शेप में पड़ा हुआ है तो ये ये बाल भी आपको शायद दिख रहा हो तो ये स्वामी की छोटी छोटी ये ऐसी चीजें हैं जो आदमी के आदमी को कैसे मन को साथ में जोड़ लेती हैं और और बाबा आपको एहसास करा देते हैं कि वो आपके साथ हैं आपके आजू बाजू हैं आपसे दूर नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो एक अनएंडिंग वो है रोजाना वो ऐसी चीजें हमको जानने को मिलती हैं कई बार बाबा आपके स्वप्न में आते होंगे और आपको ऐसी फीलिंग दे जाते हैं कि वो बिल्कुल आपका लाइफ का एक हिस्सा बनके उसके अंदर उन्होंने भाग लिया ऐसा एक स्वप्न है जो मेरे को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी ट्वेंटी फिफ्थ और उस दिन कोई लगभग सुबह का समय रहा होगा कोई तीन से चार के बीच का और मेरे को ऐसे ड्रीम में जो स्वामी आए और स्वामी एक बेड के ऊपर बैठे हुए थे तो मैं एक वो कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अंदर स्वामी है तो मैं भाग के बाहर जाता हूँ तो मैं अपने वाइफ को बोलता हूँ प्रिया जल्दी आओ इधर स्वामी आए हुए हैं तो हम आके वहाँ बाहर खड़े होते हैं तो, तो ऐसे लगता है कि हम स्वामी को डिस्टर्ब ना कर दें कहीं स्वामी रेस्ट कर रहे हैं तो तो स्वामी हमें देखकर अंदर बुला लेते हैं तो स्वामी ने अंदर बुला के हमको जो दोनों के सर के ऊपर हाथ रखा हमने ऐसे दोनों ने ऐसे हाथ किए तो स्वामी ने एक हाथ प्रिया के हाथ पे और एक मेरे हाथ पे रखा और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि स्वामी के हाथ से हाथ ऐसे ऊपर जाना शुरू हो रहा है और वहां से विभूति हाथ से निकलती जा रही है हम दोनों के हाथ भर रहे हैं स्वामी का हाथ ऊपर जाई जा रहा है और विभूति हमारे दोनों के हाथों में भरती जा रही है ऐसा करके ये मेरा ड्रीम और उसके बाद बच्चे भी वहाँ पे बाहर खड़े हैं लेकिन हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें और इतनी देर में ही मेरी नींद खुलती है और मैं मैं प्रिया को उठाता हूँ मैं कहता हूँ प्रिया स्वामी स्वामी आए यहाँ पे और उस समय ऐसा लग रहा है वो विभूति की खुशबू जैसे आप सबने महसूस किया होगा कि वो खुशबू भी चारों तरफ फैल जाती ऐसी खुशबू भी आनी शुरू हो गई और मुझे लगा कि वाकई स्वामी अभी यहाँ पे तो इसने कहा क्या हुआ है मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है हम दोनों को हमारी ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी का गिफ्ट मिल गया धर्मशाला के पास एक जगह है जिसका नाम है लॉन्च वो जगह पे किसी ने वो वहाँ पर मंदिर बनाया तो मैं मेरे को आजकल मैं हिमाचल का मैं इंचार्ज हूँ पार्टी का तो वहाँ पे जो व्यक्ति मेरे को लेने आया था तो उसको मालूम था कि मैं मैं भी बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो उसने मेरे को कहा कि यहाँ मंदिर है आप देखना चाहोगे तो लगभग 20 किलोमीटर वहाँ से था तो लगभग एक घंटे का सफ़र था मैंने कहा चलो आज मंदिर देखने चलते हैं मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो उधर वो मंदिर कैसे बना ये एक भगवान की ही वो कृपा है भगवान की ही कला है वहाँ पे इतनी ऊंची भगवान की दो मूर्तियाँ जो तीन तीन टन की जो मूर्तियाँ हैं एक कमरे के अंदर पहुँची एक वहाँ बाहर मंदिर में बाबा का जो रूम है वो बाबा का रूम वहाँ बाबा के कपड़े पड़े हुए हैं एक ऐसा उन लोगों को वहाँ पर महसूस होता है और मंदिर बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जैसे बिल्कुल पुटपर्ति का जैसे आपने मंदिर देखा हो वैसा मंदिर है जो परिवार वो सारा जो संभालता है तो उस लेडी ने कहा कि आप कुछ बाबा को आ, कुछ कहना चाहेंगे कुछ लिखना चाहेंगे तो मैंने ठीक है तो मेरे को उन्होंने एक ये कॉपी दी और इस कॉपी में मेरे को उन्होंने कहा कि आप आप लिख दीजिए तो many par likha dear swami, my humble pranam at your lotus feet. swami, i heard about this mandir today only and was attracted to visit here. i seek your blessings for all of us. swami, please do give darshan to us also. seek good health, peace and prosperity for the humanity. prayers, pranam and love. संजय टंडन ओम श्री साई राम भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा प्रणाम और आप सब को प्रेम भरा साई राम नाइनटीन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि हम अपनी नानी के घर थे तब मेरी नानी की फैमिली मेरे मामा मामी और मेरे कजन्स वो बाबा के भजन गा रहे थे और वहाँ से पहली बार हमें पता चला कि साईं बाबा नाम के एक व्यक्ति हैं और उन्होंने मेरी मदर को एक बुक दी साईं बाबा मैन ऑफ मेरेकल्स जब हम अपने घर आ गए तो मेरी मम्मा उस बुक को पढ़ती थी और उस बुक को पढ़ने से उनको ये एहसास हुआ कि ये तो भगवान का अवतार है और उन्होंने मेरे डैडी को बोला कि ऐसा कैसे हो गया कि भगवान ने अवतार ले लिया और भगवान की आयु इस वक्त पचास वर्ष की है और हमें पता नहीं चला तो मुझे तो उनके दर्शन करने हैं ये शायद 72 दिसंबर की बात है और जनवरी 73 में हार्डली एक महीने बाद स्वामी शिमला आए और मेरी मदर के बहुत ज़्यादा कहने पर हम लोग सब शिमला गए मेरे डैडी उस वक़्त एक यंग लॉयर थे और हम चार बच्चे मैं और मेरी सिस्टर और दो भाई और मम्मी डैडी हम लोग रिज पर बैठे थे स्वामी स्टेज पर बैठे थे मैं आज भी देख सकती हूँ वो सीन जब स्वामी स्टेज के किनारे स्टेज की ज़मीन पर बैठे थे चेयर पर नहीं बैठे थे और उनके हाथ में एक कोई फूल की कली थी उसको वो ऐसे उसके साथ खेल रहे थे और हम लोग फ्रंट रो पे रिज पर जमीन पे दरी पे बैठे थे और स्वामी उस कली के साथ खेलते खेलते भजन सुन रहे थे और ऐसे झूम रहे थे और वो सीन मुझे आज भी आंखों के सामने एकदम ऐसे दिखता है जैसे अभी ही देखा हो और स्वामी को देखते देखते इतनी भाव विभोर हो गई मैं उस वक़्त सिर्फ़ आठ साल की थी और बस स्वामी ने उस समय हमको खरीद लिया बिक गए हम उसके बाद वो दर्शन खत्म हुआ और किसी ने बोला मेरे डैडी को कि सोनलाल जी के घर वुड उडबिल्ला में स्वामी स्टे कर रहे हैं और वहाँ पर भी दर्शन होगा आप भी आ जाओ तो हम लोग वहाँ से निकल कर भागे और बुडविला के प्राइवेट लॉन्स में वहाँ पर नीचे बैठ गए हम लोग और स्वामी आए और कुछ लोग स्वामी को ऐसे कुछ चीज़ें दे रहे थे जैसे बुक या पेन तो स्वामी ऐसे ब्लेस कर रहे थे तो हम लोग तो बहुत छोटे थे और वैसे भी टोटली अनप्रिपेयर्ड थे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास ब्लेस कराने को मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्वामी चल नहीं रहे से वो फ्लोट कर रहे हैं फ्लोटिंग ऑन एयर और उस समय ऐसे मुझे लगा कि यही भगवान है और उस दिन के बाद बस स्वामी ही है और कोई नहीं है मैं क्लास थ्री में थी स्कूल में जब हम वापस आए तो कुछ शायद दो तीन महीने के बाद आ, हमारी हिंदी टीचर ने हिंदी uh, कॉम्पोजिशन में एक टॉपिक दिया एक अविस्मरणीय घटना तो उस वक़्त मैंने इस इंसिडेंट को एक कॉम्पोजिशन के फॉर्म में अपनी स्कूल की कॉपी में सबमिट किया uh, कि मैंने स्वामी को देखा और मैं उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई तो मुझे याद है कि मेरी हिंदी की मैम ने मुझे स्कूल के बाद बुलाया और मुझे पूछा कि तुमने साईं बाबा के दर्शन किए थे तो मैंने कहा यस मैम हम शिमला गए थे तो उन्होंने पूरी बात मेरे से सुनी और वो भी शी वो वेरी अफेक्टेड जैसे उन्होंने अंडरस्टैंड किया मेरी उस इमोशन को और बस उस दिन के बाद हम स्वामी के हो गए मेरे फादर जस्टिस पुंछी थे जो कि चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए थे 1979 में वो एक लॉयर थे और उन्हें फार्मिंग का बहुत शौक था तो एक दिन वो हमारे फार्म पे कुछ काम करवा रहे थे वहाँ पे एक एक्सीडेंट में उनका हाथ ऐसे कटा कि मिडिल फिंगर ऐसे कट गई और ये वाला पार्ट हाथ से अलग हो गया तो वो इस पीस को उठाकर चंडीगढ़ में पीजीआई पहुंचे पहुँचे आधी रात को वहाँ पर उनकी सर्जरी हुई लेकिन ये वाला पीस दोबारा डॉक्टर वापस नहीं लगा पाए तो उनका हाथ ऐसे ही था तो हमारी कार में एक मैग्नेट लगा था जिसमें स्वामी की फ़ोटो थी ऐसे अबे हस्त पोज में तो जिस दिन ये एक्सीडेंट मेरे डैडी का हुआ उस दिन वो फ़ोटो इस जगह से क्रैक हो गई मेटल का मैग्नेट था वो और कार के डैशबोर्ड पे लगा हुआ था यहाँ से कट गई वो ब्रेक हो गई और कुछ दिन बीतते बीते वो क्रैक ऐसे बढ़ता गया और पूरा यहाँ से स्वामी का नेक कट हो गया और उसके बाद मेरे डैडी जज बन गए दस दिन के बाद आफ्टर द एक्सीडेंट और कुछ देर के बाद मेरे डैडी ने सोचा कि मैं पढ़ती जाऊँ स्वामी को थैंक यू बोलने के लिए कि मुझे एलिवेट किया गया है टू द बेंच तो जब हम वहाँ पे गए तो स्वामी ने इंटरव्यू दिया तो मेरे डैडी ने अभी उनको ये नहीं बताया कि स्वामी मेरा एक्सीडेंट हो गया तो स्वामी ने बोला कि आई सेव्ड योर लाइफ योर फिंगर गॉड कट यू कुड हैव लॉस्ट योर लाइफ आई सेव्ड यू वो मैग्नेट टूट गया सो स्वामी कनेक्टेड ही टोल्ड माई फादर उन्होंने उन्होंने मेरे डैडी को उस ब्रोकन मैगनेट के बारे में बताया इससे पहले कि मेरे डैडी ने उनको बताया कि ऐसा हुआ था तो स्वामी ने यह एहसास किया कि मैंने तुम्हारी लाइफ भी सेव की और मैंने तुम्हें जज भी बनाया छोटा ब्रदर शायद पंद्रह सोलह साल का था तब उसने दरवाज़ा खोला तो एक यंग लड़का था उसके हाथ में पिस्टल थी उसने ऐसे उसकी तरफ पिस्टल पॉइंट कर स्वामी ने मुझे बोला दिखाओ तुम्हारा वर्क कैसा है तो फिर मैंने वो पॉलीथिन में से वो निकाला वो प्लांटर तो स्वामी ने उसको बहुत ध्यान से